Hello friends, today we are going to discuss drugs acting on renin, angiotensin and aldosterone system. जिसे हम कहते हैं RAAS. Now look at this chart. आपने textbook में इस chart को देखा होगा. Most of the time it is misunderstood that this chart represents the basic part or the introductory part of renin angiotensin system. Now let me explain it. इसकी शुरुआत होती है अपर राइट कॉर्नर से, जहाँ पे आपको मेंशन किया है दैट सोडियम लॉस और द फॉल इन ब्लड प्रेशर कॉजेस द इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ रेनिन. नाउ दिस रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इनटू द एंजियोटेंसिन 1 व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 एंड दिस एंजियोटेंसिन 2 गिव्स अस द इफेक्ट ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सोडियम वाटर रिटेंशन एंड अल्डोस्टेरोन सीक्रेशन व्हिच In turn, all these three effects are responsible for rise in blood pressure and increase in the blood volume. But ये story इतनी छोटी नहीं है. मैंने अभी जो आपको explain किया वो यहाँ पे mention है. क्या कहा था हमने? That renin is responsible for conversion of angiotensinogen into angiotensin 1. ये convert होता है angiotensin 2 में. And this angiotensin 2 and aldosterone are responsible for that increase in the blood volume and increase in the blood pressure. इतना छोटा सा matter नहीं है, ठीक है, कि हम इतने से हिस्से को इसका introductory part या basic part समझ लें. हाँ, but यहाँ से आपको समझना क्या है कि that RAAS means renin, angiotensin, aldosterone system. इसे हम RAAS axis भी कह सकते हैं या RAAS सिस्टम भी कह सकते हैं. नाउ अगर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं है तो व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट और बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ये जो फ्लो चार्ट है इसे हम एक नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है. अगर मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड एंड फंक्शनैलिटी ऑफ दोस कंपोनेंट्स, तो इसके दो डिविजन हो जाते. इसे मैं एस्पेक्ट भी कह सकता हूँ या नजरिया या फिर शुद्ध मराठी में दृष्टिकोण, बग्न्याचा दृष्टिकोण. तो मैंने इसे डिवाइड कर लिया है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चार्ट को देख रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मींस ये आरएएस में कौन से कंपोनेंट्स ये सिस्टम को बना रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर मैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करता हूँ तो मुझे ये लिस्ट मिलती है जो आपके टॉप पे आपको दिखाई दे रही है. सो द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड आर, सबसे पहले आएगा प्रोरेनिन. प्रोरेनिन के बाद में दो चीजें मैंने सिंगल कंबाइन की है, एदर प्रोरेनिन रिसेप्टर एंड कैथेस्पिन. ये दोनों भी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रोरेनिन के कन्वर्जन का इनटू द रेनिन, ठीक है. इन दोनों के वजह से एदर वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोरेनिन इनटू द रेनिन. हम यहाँ तक पहुंच गए. इसके बाद में जो आखिरी इसके बाद में जो कंपोनेंट है वो है एंजियोटेंसिनोजेन. रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में. नाउ एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन होता है 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE. इसके बाद में विद द हेल्प ऑफ दिस द प्रोडक्ट जनरेटेड इज एंजियोटेंसिन 2 जो आपका कैप्टन है पूरे सिस्टम का. एंजियोटेंसिन 2 देन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट और द सीक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन. So, ये 8 components, मैंने इसे नाम दिया है structural component. ये आपको internet या textbook में नहीं मिलेगा, ठीक है. This is kind of a new type of presentation जो हमें use करना है. With the help of this, your RAAS system is generated. Now, one by one, we will explain these components more in detail. The first structural component is prorenin. अभी हम prorenin के बारे में discuss करेंगे. प्रोरेनिन इज जनरेटेड फ्रॉम द प्री प्रोरेनिन, ठीक है. कंफ्यूज मत होइएगा, स्क्रीन पे नाम भी आएगा. प्रोरेनिन कहाँ से जनरेट होता है, फ्रॉम द प्री प्रोरेनिन. जब आप प्री प्रोरेनिन में से प्री सेगमेंट जो रहता है पेप्टाइड का वो रिमूव कर देते हो तो उसके बाद में जो एक इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर जनरेट होता है हम उसे कहेंगे प्रोरेनिन, ठीक है. मैंने क्या कहा अभी, एक इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर. सो आप एक पेप्टाइड रिमूव कर रहे हो यानी उसमें अमाइनो एसिड डेफिनेटली रहेंगे. सो प्री
सेगमेंट जो है पेप्टाइड का, उसमें रहते हैं 20 अमाइनो एसिड। तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर में से 20 अमाइनो एसिड का प्री सेगमेंट रिमूव करते हो और जो प्रोडक्ट मिलता है वो है प्रोरेनिन। नाउ इसे एक मैंने एडजेक्टिव यूज किया है, दैट इज द इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका खुद का कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इनएक्टिव पेप्टाइडल स्ट्रक्चर इज अ प्रीकर्सर ऑफ रेनिन। अभी फिर से सरनेम देखिए आप, प्रोरेनिन, इसके एंड में क्या है? रेनिन। अभी फिर से क्या करना होगा आपको? ये प्रोरेनिन रिमूव करना होगा, तब जाके आपको मिलेगा रेनिन, ठीक है। सो नाउ द प्रोरेनिन, इसका अमाइनो एसिड काउंट है 406, ठीक है। प्रोरेनिन जब हम बात कर रहे हैं तो इट हैव दैट प्रो पेप्टाइडल सेगमेंट जिसे हमें रिमूव करना है। तो ये प्रो पेप्टाइडल सेगमेंट जो है इसका अमाइनो एसिड काउंट है 46। Now, when you remove this pro segment, the structure obtained is the renin. Abhi, because of this pro segment, this 46 amino acid peptidal segment, iske wajah se ek structural difference create hota hai in between renin and prorenin. Theek hai? Abhi, ye jo maine ek last 2 to 3 minutes mein description diya hai, yaha pe ek word commonly aa raha hai, renin, prorenin, प्री प्रोरेनिन, इसके वजह से समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। आपको क्या करना है? नॉर्मली जो आप अभी एक इमेज देख रहे हो, इसके हेल्प से आपको ये समझ के लेना है, ओके? नाउ आगे चलते हैं प्रोरेनिन की तरफ। प्रोरेनिन के ब्लड लेवल्स 5 to 10 टाइम्स हाइयर होते हैं एज कंपेयर टू रेनिन। यानी आप ब्लड में अगर रेनिन की क्वांटिटी देखोगे तो उससे ज्यादा कभी भी प्रोरेनिन ये ज्यादा रहता है। नाउ ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ क्योंकि जब आप हाइपरटेंशन स्टडी कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर डिसीज स्टडी कर रहे हो तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया रहता है कि दैट प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी इज हायर और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी इज लोअर, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये पॉइंट वहां पे कनेक्ट कैसा करना है ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। बट एट दिस पॉइंट, एट दिस योर स्टेज, आपको इतना याद रखना या इतना समझ लेना बहुत बेनिफिशियल है कि दैट प्रोरेनिन ब्लड लेवल्स आर 5 to 10 टाइम्स हायर देन रेनिन। इतना समझ में आया? नाउ अभी ये सब डिस्कशन क्यों चल रहा है? व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डिस्कसिंग? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ RAAS। हमारा पहला ओपनिंग बैट्समैन कौन है? रेनिन है। रेनिन को किसने भेजा? प्रोरेनिन ने। मीन्स प्रोरेनिन इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू द रेनिन। सो माई क्वेश्चन इज हाउ प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड इन टू द रेनिन। क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा। ये पार्ट जो देखा हमने, ये उनका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस किया। नाउ प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड इन टू द रेनिन विद द टू डायरेक्शन, या इसे हम कहेंगे मतलब दो मेथड से इसका कन्वर्जन होता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज केमिकल और एंजाइमेटिक कन्वर्जन, जिसकी मदद से आप प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड द सेकंड वन इज द रिसेप्टर मेडिएटेड कन्वर्जन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस देम। पहला कौन सा है? केमिकल और एंजाइमेटिक कन्वर्जन। इसमें और एक नाम दिया है यहाँ पे, इरिवर्सिबल मेथड। यानी एक बार अगर प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो गया इस मेथड से तो इसका कमबैक नहीं होने वाला, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, द प्रो सेगमेंट, प्रो सेगमेंट यानी कौन सी है? 46 अमाइनो एसिड वाली पार्ट। दिस प्रो सेगमेंट इज रिमूव्ड, आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, परमानेंटली। यानी ये परमानेंट रिमूवल रहता है। और ये होता कहाँ पे? किसी पर्टिकुलर ऑर्गन, सेल सरफेस या ब्लड या फ्लूइड में? द आंसर विल बी दिस केमिकल एंजाइमेटिक और इरिवर्सिबल कन्वर्जन ऑकर्स इन टू द ब्लड। और मैं यहाँ पे लंग्स लिखा है। दिस कन्वर्जन इज प्रीडोमिनेंटली हैपनिंग इन द लंग्स। लंग्स में ये चीज ज्यादा करके ऑब्जर्व होती है। अपार्ट फ्रॉम लंग्स, इन टू द ब्लड ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑल्सो हैपन्स, ठीक है। बट प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे होगा? लंग्स में। अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लिखा है आपके लिए, जो आपको समझने में दिक्कत में भी आई होगी। प्रोरेनिन गेटिंग कन्वर्टेड इन टू द रेनिन। सो ये जो प्रो सेगमेंट है ये हम रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। तो अभी यहाँ पे दो चीजें मेंशन की है, दैट इज
द नेम ऑफ एंजाइम. दिस एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज कैथेस्पिन बी और प्रो कन्वर्टेज 1. ये एंजाइम क्या करता है, इस 46 अमाइनो एसिड पेप्टाइडल सेगमेंट को कट करता है और उसके बाद में जो मिलता है वो है रेने. ओके नाउ, तो ये डिस्कशन था इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में. नाउ अनदर मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रो रेनिन इनटू द रेनिन इज रिवर्सिबल और नॉन एंजाइमेटिक और रिसेप्टर मेडिएटेड कन्वर्जन. इन दोनों के नाम से आपको क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज हैपनिंग देयर. जब हम एंजाइमेटिक कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हो कि एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और जब हम रिसेप्टर मेडिएटेड कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज अज्यूम दैट कि रिसेप्टर विल बी देयर. सो यहाँ पे प्रो सेगमेंट आपने कट किया था, यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रो रेनिन का जो कैटालिटिक साइट है, जो कैटालिटिक डोमेन है, उसे थोड़ी देर के लिए एक्सपोज किया जाता है. नाउ यू नो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है. कैटालिटिक साइट अगर ओपन हो जाती है दैट स्ट्रक्चर इज एबल टू कैरी आउट द रिएक्शन. ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, विच रिसेप्टर, प्रो रेनिन रिसेप्टर, कौन बाइंड हो रहा है, प्रो रेनिन. प्रो रेनिन इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में कंफर्मेशनल चेंज हो जाता है. ठीक है, इट लीड्स टू द चेंज इन द कंफर्मेशन विच एक्सपोजेस द कैटालिटिक डोमेन ऑफ प्रो रेनिन. ठीक है, उसके वजह से होता क्या है, कैटालिटिक डोमेन एक्सपोज हो जाता है विच इज एबल टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ रेनिन, इट बिकम्स रेनिन लाइक. ठीक है, अभी यहाँ पे छोटा सा चेंज है दैट दिस ऑकर्स, मतलब ये पूरी कहानी जो ये थोड़ी देर के लिए होती, इट इज फॉर द मोमेंट, मीन्स आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन दैट कैटालिटिक डोमेन और द कैटालिटिक साइट विच वॉज एक्सपोज कैन बी अगेन कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. इसका मतलब क्या है, इट इज रिवर्सिबल. सो मैंने दो मेथड्स बताए, इसलिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोरेनिन इनटू रेनिन, एक एंजाइमेटिक मेथड था जिसमें प्रोरेनिन सेगमेंट पूरा कट होता है, और दूसरा था रिसेप्टर मेडिएटेड मेथड जिसमें कैटालिटिक साइट थोड़ी देर के लिए आप एक्सपोज करते हो. ठीक है, सो दिस टू मेथड्स आर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोरेनिन इनटू द रेनिन, और ये रेनिन आगे चल के क्या करेगा, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन इनटू द एंजियोटेंसिन 1. बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस द रेनिन. अभी रेनिन के तरफ जाने से पहले वन पॉइंट वाज मिस्ड. वी हैव सीन दैट एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑकर्स इन द लंग. ठीक है, अब ये चीज कहां पे होती है, जब हम बात कर रहे हैं कि रिसेप्टर मेडिएटेड कन्वर्जन, तो ऑब्वियसली रिसेप्टर कहां पे रहता है, ब्लड में तो घूमते नहीं रहता है, सेल सरफेस पे रहता है, इतना सबको पता है. सो द सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, सेल्स ऑफ आईज, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, काफी सारे ऐसे सेल्स रहते हैं कि जिनके सरफेस पे प्रोरेनिन रिसेप्टर एग्जिस्ट करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द लोकल जनरेशन ऑफ रेनिन. और जो ब्लड में या अराउंड एग्जिस्ट करने वाला एंजियोटेंसिनोजेन है, ये सरफेस पे ही एंजियोटेंसिन 2 का सिंथेसिस कर लेते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड ऑप्शन दैट टिश्यू और द लोकल आरएएस सिस्टम इज जनरेटेड. बट जब आप ब्लड की बात कर रहे हो तो ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर सिस्टमिक आरएएस के लिए. ठीक है, अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेन में एंजियोटेंसिन 2 जनरेट होगा, आई विल कंसीडर. ठीक है, उसके कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट है सीएनएस पे एंजियोटेंसिन 2 के, जो हम बाद में देखेंगे. बट हियर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहां से आपको मिलता है, जब इनसाइड द सेल और ओवर द सरफेस ऑफ सेल हर्ट के एंजियोटेंसिन 2 जनरेट होता है, तो जो कंजेस्टिव हर्ट फेल्यूर में हर्ट वॉल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसका रूट कॉज यहां से होता है. मीन्स वो स्टोरी कहां से शुरू होती है, तो यहां से, मीन्स पॉइंट कहां का है, सीएचएफ का, उसका कंसर्न कहां पे आ रहा है, इन द बेसिक्स ऑफ आरएएस विद द हेल्प ऑफ प्रोरेनिन. ठीक है, अभी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर पाओगे जब हमारा लेक्चर रहेगा सीएचएफ का. ओके, नाउ इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड
ब्रोकरेज।